में हम लोग देखेंगे हमारा परिवेश, कक्षा चार पाठ चार हमारा भोजन। इसमें हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं? इसमें प्रश्न दिया गया है कि पौधों से प्राप्त, पहला प्रश्न दिया गया है कि पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम लिखे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने अपनी कॉपी पे लिख लिया है सुविधा के अनुसार। तो पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार पौधों के नाम लिखिए। तो पौधे, इसका उत्तर है कि पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम सब्जियां हैं, नंबर एक में लिख सकते हैं, नंबर दो में फल लिख सकते हैं, नंबर तीन अनाज है और नंबर चार है दालें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो जंतुओं से कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं? तो जैसे मांस है पहला। जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम हैं, नंबर एक मांस है, नंबर दो मछली है, नंबर तीन दूध है और नंबर चार अंडा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीन, हम पहले देखेंगे। प्रश्न संख्या तीन में क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि भोजन से ही हमें फिर खाली स्थान है मिलती है। तो भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे अगर हम भूखे रहते हैं तो हमें थकान महसूस होगा, हमें किसी काम को करने का मन नहीं करेगा और लगेगा कि हम बस केवल एक स्थान पर बैठे रहें या लेटे रहें। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, ये फल फूल कुछ भी खाते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है और हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और भोजन के रूप में जिन्हें हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है कि भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो जंतु और पौधे हैं भोजन के प्रमुख स्रोत, जंतु और पौधों से ही भोजन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें हम चौथा प्रश्न देखेंगे कि सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने हमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न दिया गया, पहला सेंटेंस इसमें दिया गया, हम प्रश्न नहीं कह के प्रश्न सेंटेंस बोलेंगे। अनाज दालें व सब्जियां पौधे से प्राप्त होती हैं, तो क्या ये सही है? अनाज दालें व सब्जियां पौधे से प्राप्त होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, तो क्या ये सही है? ये तो हमें गलत लग रहा है, क्योंकि गेहूं की कटाई तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन बुआई कब होती है? शरद ऋतु में होती है। तो इसमें हम गलत का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है अगला सेंटेंस जो दिया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन का प्रयोग करना चाहिए या संतुलित भोजन करना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न और इसमें दिया गया है कि पता करिए, प्रश्न संख्या पाँच पता कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछिए कि वे जब आपकी उम्र के थे तो क्या खाते थे। अब लिखिए कि आप अपने दादा दादी से क्या क्या भिन्न भिन्न चीजें खाते हैं। ये बच्चों को हम प्रोजेक्ट वर्क में दे सकते हैं, बच्चों को ये बच्चों से कह सकते हैं कि अपने घर में अपने मम्मी पापा अपने दादी दादा से उनके दादी दादा जो बचपन में क्या खाते थे उनकी लिस्ट बना के लाना है। और इसके बाद इस समय आप जब वो आपकी उम्र के थे तब वो क्या खाते थे, दादी दादा की अलग से लिस्ट बनाना है, मम्मी पापा के अलग से लिस्ट बनाना है। फिर आप अपना लिखेंगे कि हम इस समय क्या खाते हैं, और फिर दोनों का हम तुलना करेंगे, दोनों की कंपेयर करेंगे कि क्या अंतर है पहले के खाने में और अब के खाने में क्या अंतर आया है। तो ये हमें अनुभव बच्चों को करवाना है कि पहले के लोग क्या खाते थे और आज हम लोग क्या खा रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि अपने घर से भोजन पकाते समय अपने घर सॉरी अपने घर में भोजन पकाते समय प्रयोग किए जाने वाले मसालों की सूची तैयार कीजिए। तो ये भी बच्चों को हम प्रश्न दे सकते हैं कि घर में जब मम्मी खाना बनाती हैं तो उसमें कौन कौन से मसाला का प्रयोग करती हैं। और वैसे तो कक्षा चार में जो लड़कियां हैं वो खाना बनाने लगती हैं, क्योंकि हम क्लास में बच्चों से बात करते हैं तो उससे पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चे जो थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे हैं वो भी खाना बनाना जानते हैं।
तो वो बताएंगे कि हम खाना बनाते हैं या मम्मी जब हमारी खाना बनाती हैं तो उसमें कौन कौन से मसाला का प्रयोग करती हैं। तो ये सारे प्रश्न हम बच्चों को खोज कर लाने के लिए कहेंगे और इसके बाद हम इसके कक्षा में इसके विषय में चर्चा करवाएंगे प्रत्येक बच्चे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।